तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनका क्रंच देखिए आप, ये एकदम ही क्रंची और खस्ता से बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे लोहड़ी स्पेशल रेवड़ी रेसिपी। इसको हम घर में भी बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और इसके लिए हमें केवल 3 सामान की ज़रूरत है जो आप देख रहे होंगे। मैं सविता सिखावत, मेरे चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रेवड़ी बनाने के लिए तिल और गुड़ दोनों 200-200 ग्राम ले लिए हैं। इनको हमने एक कटोरी से माप किया है, दोनों सेम भर कर ली है। साथ में हमने एक छोटा चम्मच घी ले लिया है। अब अगले स्टेप में हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तिल को भून कर लेंगे। उसके लिए हमने गैस के ऊपर एक फ्राई पैन रख लिया है। अब पैन के अंदर हम तिल डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसको हम फुल आंच पे लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि तिल के अंदर चटचट की आवाज आने लगे। मैं आपको दिखा दूंगी ये भुनने के बाद किस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको भून लिया है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे तिल जो है अच्छे से उछल रहे हैं। तो इनको हमें इतना ही भूनना है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और तिल को हम थोड़ी सी देर चलाते रहेंगे, क्योंकि पैन बहुत गर्म है इसलिए ये हल्के से और भुन जाएंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे। इसके बाद में हम तिल को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। तो तिल को हमें छानना है, इसलिए मैं छलनी के अंदर ही इसको निकाल लेती हूँ ताकि हम इसका जो भी धूल मिट्टी है वो छान कर निकाल सके। अब वापस से हमने गैस के ऊपर पैन को रख लिया है और पैन के अंदर हमने जो गुड़ लिया है हमारा वो डाल लेंगे। और यहाँ पे हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है, इसलिए हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें पहले इसको मेल्ट करके और छानना होगा। जितनी भी इसके अंदर इम्प्योरिटी होंगी ना वो पूरी हम निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है हल्के हल्के ये गन्ने के जो छिलके वगैरह होते हैं ना वो इसके अंदर आ जाते हैं, या फिर वो जो वाइट वाइट पार्ट होता है गन्ने का वो इसके अंदर रहता है, तो वो पूरा हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हमें छलनी में से छानना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं और पैन को हम वापस से गैस पे रख लेंगे और इसी के अंदर हम डायरेक्ट छलनी रख कर इसको छान लेते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं था, ये साफ गुड़ था अच्छे से, लेकिन फिर भी आप एक बार छान कर ले लें तो अच्छा रहेगा। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसकी हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो चाशनी हमें किस तरीके की बनानी है वो मैं आपको बता दूंगी। और जो हमने घी लिया था ना वो भी इसके अंदर हम डाल लेते हैं, इसी टाइम इसमें डाल लेंगे और फिर हम चाशनी को बनने देंगे। और गुड़ की चाशनी बनाते समय एक बात आप ध्यान रखें कि इसको हमें लो फ्लेम पर ही बनाकर तैयार करना है। अगर आप फुल आंच पे करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है खाते समय जला जला आता है, जो अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें हमने एक छोटा चम्मच डाल दिया है इलायची का पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, आप ज़रूर डालें। अगर इलायची नहीं डालना चाहते तो आप सौंठ पाउडर भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अब इसको हमने लगभग 4 मिनट तक पकाने के बाद में एक कटोरी में पानी डालकर थोड़ी सी इसके अंदर हमने चाशनी डाली है ताकि हम चेक कर सकें। डालने के बाद में ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से टूट रही है, एकदम क्रंची वे में टूट रही है। तो ऐसी ही हमें बनानी है। इसको बनाने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। अब इसके अंदर हम इसको खस्ता बनाने के लिए और इसका कलर सुधारने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल 2 पिंच के बराबर जो खाने का सोडा आता है, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है। इसको मिलाने के बाद में तुरंत ही हम इसके अंदर तिल डाल देंगे। तिल को हमने साबुत रखा है क्योंकि रेवड़ी साबुत तिल से बनाई जाती है। थोड़े से तिल हम इसमें से बचा लेंगे, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं और यहाँ पे गैस का फ्लेम या तो आप बंद कर दें या फिर एकदम लो रखें और इनको मिलाकर तैयार कर लें। जैसे ये इस तरह से मिलकर तैयार हो जाएगा, हम इसको उतार लेते हैं गैस से नीचे। और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले से ही एक पन्नी पे अच्छे से ग्रीसिंग कर ली थी तेल से, और इसके ऊपर से हमने जो तिल बचाए थे वो रखेंगे और फिर हमने जो मिश्रण तैयार किया है इसका ये रख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे पन्नी फॉइल या फिर आप जो बटर पेपर आता है उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपको आसानी रहेगी मिलाने में, क्योंकि ये गर्म बहुत होता है और हाथ लगाना मुश्किल होता है इसके ऊपर। तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं इसको, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है और इससे हाथ भी नहीं जलता है। और ये प्रोसेस हमें जब ये मिश्रण गर्म होता है ना तभी करना होता है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो रेवड़ी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए आप जल्दी जल्दी इस तरीके से इसको मिला लें। इसमें हमने तिल को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी रेवड़ी बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप 1-2 मेंबर की मदद ले लें तो ये जल्दी बन जाएगी, क्योंकि ये मिश्रण जब ठंडा हो जाता है ना तो इसकी जो रेवड़ी है वो बनानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसको हमें गर्म गर्म में ही बनाना होता है इस तरीके से। जो भी आपको पसंद है, थोड़ी सी छोटी या बड़ी आप बना सकते हैं।
तो हम यहाँ पे, मैंने मेरी बेटी की मदद ली है, हम दोनों बना रहे हैं। तो ये रेवड़ी जो हमारी 13 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। अब इनको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। बिल्कुल कम समय लगता है इनको बनाने में, और इनको आप स्टोर करने के बाद महीने भर तक खा सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में बंद करके रख लें। अब इसका क्रंच मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खस्ता हुए में टूट रही है, बहुत ही क्रंची रेवड़ी बनकर तैयार हुई है। इसको आधे घंटे के बाद में जब आप खाएंगे ना, तो ये बेहद ही क्रंची सी और एकदम खस्ता रेवड़ी बनकर तैयार होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सारी रेवड़ी बना ली है। आप भी इस तरह से लोड़ी पे रेवड़ी जरूर बनाइए। मुझे उम्मीद है ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।